हमारे TV11 न्यूज चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। आदाब नाजरीन, TV11 के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। चिरला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज TRS पार्टी की जानिब से माइनॉरिटीज के लीडरों ने हिस्सा लिया है। 2019 के पार्लियामेंट इंतखाबात में आज साबिका वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मीर यूसुफ अली ने और माइनॉरिटीज के लीडर ने हिस्सा लिया है। चिरला कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट में घर घर जाकर वहां की आवाम से बातचीत की और खास करके मुसलमानों से अपील की है कि चिरला कॉन्स्टिट्यूएंसी में MP TRS कैंडिडेट हुए ताइत में वोट डाले। इस मौके पर बादादा मीडिया से बातचीत करते हुए साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन मीर यूसुफ अली ने इस चीज का खुलासा किया है कि तेलंगाना रियासत की तरक्की TRS पार्टी से ही है। उन्होंने ये चीज को भी याद किया कि बल्कि खास करके मुसलमानों को ये कहा कि आने वाले गुलिस्तान इंतखाबात में जिस तरह से TRS को कामयाब किया था, उसी तरह से इस लोकसभा के इंतखाबात में फिर से एक बार चिवल्ला से TRS के उम्मीदवार को जिताकर KCR के हाथ को मजबूत करे और पार्लियामेंट के अंदर TRS का झंडा लहराए। देखना यह चाहिए क्या वहाँ की चिवल्ला की माइनॉरिटीज अवाम क्या मीर यूसुफ अली की बात सुनेगी या फिर या वो जवाब देगी। बहरहाल जो कुछ भी हो, सारे सियासतदान जमाते अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इंतखाबात को चंद दिन रहने की वजह से सारे सियासतदान जमातों में गर्मा गर्मी चल रही है। इख्तियार में रहने वाली तेलंगाना रियासत में TRS पार्टी अपने कामयाबी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी कोई उम्मीद कम नहीं करी, कांग्रेस पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है। बहरहाल देखना यह चाहिए कि 2019 के पार्लियामेंट के लोकसभा के इंतखाबात में अवाम इस चिवल्ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसको जिताएगी। TV11 न्यूज हैदराबाद। चिवल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे अवाम से गुजारिश ये है कि हमारे TRS के कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत से जिताइए, स्पेशली चिवल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुसलमानों से मेरी ये गुजारिश है कि आप हमारे कैंडिडेट रंजीत रेड्डी साहब को जिताकर KCR साहब के हाथ मजबूत कीजिए। KCR साहब सारी आवाम के साथ है, KCR साहब इंसानियत के साथ है, हर धर्म के लोगों को KCR साहब उनके लिए खिदमत कर रहे हैं और उन लोगों को खुश कर रहे हैं, यहाँ तक कि महिला खुश है, यूथ खुश है, तमाम इंसानियत खुश है। और एक चीज़ ख़ास तौर पे मैं मुसलमानों के लिए बोलना चाहता हूँ, कभी कोई जमात इतने पार्टियाँ आए आज़ादी के बाद कोई ऐसा मौका नहीं दिए कि पहले हुकूमत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए एक मुसलमान को, MLCs दिए, चेयरमैन, 6 चेयरमैन दिए, हर तरीके से अवाम की खिदमत किए, मुसलमानों के लिए किए। आप सोचिए, आप ये चीज़ कोई हुकूमत नहीं करी हिंदुस्तान में, कोई नहीं करे। हिंदुस्तान का नंबर वन चीफ मिनिस्टर KCR साहब, KCR साहब हमेशा इंसानियत का साथ देंगे। इंशाल्लाह के आप लोग दुआ कीजिए KCR साहब हिंदुस्तान पे राज करेंगे। आमीन आमीन आमीन। ये सब आप लोग की मेहनत की वजह से, और हमारे जो स्कीम्स है वो स्कीम्स में कोई चीज की कमी नहीं रखे, सारी आवाम खुश है KCR साहब से, अल्लाह करे। మా TV11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. నాజరీన్, ఇది తే ఆజ్ కి ఉర్దూ ఖబరే. తెలుగు ఔర్ ఉర్దూ ఖబరోం కా సిల్సిలా జారీ రహేగా. పొలిటికల్ పంచ్ ఔర్ క్రైమ్ న్యూస్ కే లియే ఔర్ ఖుసూసీ ప్రోగ్రామ్ కే లియే దేఖ్తే హీ రహేగే TV11. మై హూం సయ్యద్ హబీబ్, ముజే దీజియే ఇజాజత్. ఖుదా హాఫిజ్.